कैसन मानी जा भोजपुरी ट्रेवलर के एक नया वीडियो में रवालों के फिर से स्वागत बा। और हम कहाँ बानी देखी जा, पीछे हमारा समुंदर, बंगाल की खाड़ी। अभी हम बानी पुरी में। पहला दिन है यहाँ पे, मैं 3 से 4 दिन रुकने वाला हूँ। और मैं कहाँ पे रुका हूँ, यहाँ पे कैसे आया और यहाँ पे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी शाम का वक्त है और अभी जहाँ मैं रुका हूँ उस जगह से मैं जा रहा हूँ पुरी बीच, जिसको गोल्डन बीच भी कहा जाता है। यहाँ से उस जगह की दूरी है 2 से 2.5 किलोमीटर और ये मैं समंदर के किनारे किनारे होके जाऊंगा और वहां से कुछ सनसेट का मैं शूट करूंगा, तो वो आपको दिखाता हूं। और उसके बाद फिर जहां मैं रुका हूं उस जगह के बारे में और यहां पे मंदिर वगैरह जो चीज़ें हैं, मंदिर तो भी बंद है लेकिन उसके आसपास जाऊंगा मैं और उन चीज़ों को आपको दिखाऊँगा। तो चलिए फिर सबसे पहले चलते हैं गोल्डन बीच। और ये देखिए बीच पर शानदार जंपिंग हो रही है। हाँ अभी कौन हो रहा है, अभी गोल्डन बीच जाते समय मैं यहाँ पे कुछ टाइम लैप्स वगैरह रिकॉर्ड करने लगा, तो आप लोग देखिएगा उसको। और ये सारे भाई लोग मिले हैं यहाँ पे, ये काफ़ी मस्त स्टंट कर रहे थे। ये हैं जगन जी राकेश, ये राकेश जी और ये भाई लोग स्टंट कर रहे थे। ये वो काफ़ी अच्छा स्टंट किया इन्होंने। ये भाई करते हैं सबसे बढ़िया स्टंट, सबसे बढ़िया मुझे उनका लगा। किनका वो ये लो समूरा, बहुत लंबा किया उन्होंने यहाँ से वहाँ तक। तो यहाँ से गोल्डन बीच नहीं जान देंगे भैया से? नहीं, यहाँ से रास्ते पर जाएंगे तो नहीं जान देंगे, रोड से जाने देंगे, क्योंकि वहाँ पर टिकट हो रहा है वो जो दिख रहा है ना वहाँ, जैसे मतलब लकड़ी जो वहाँ से उसकी तरफ से नहीं जाने दे रहे, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। अच्छा, टिकट काटो फिर जाओ। भोजपुरी ट्रैवलर भाई को बता दिया, भोजपुरी ट्रैवलर। हाँ भोजपुरी समझते हो आप लोग, समझते हो? पहले कुछ वीडियो भोजपुरी में भी है, देखना आप। ठीक है, ये मस्त भाई लोग मिले यहाँ पे और क्या मस्त मस्त स्टंट दिखाया। तो अभी मैं गोल्डन बीच जा रहा हूँ इस तरफ को, जो आपको लाइटें दिख रही हैं उधर है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि शायद इधर से नहीं घुसने देंगे क्योंकि उसका रास्ता सड़क से होके उधर से है और इन्होंने इधर से इसको बंद कर दिया है। और बेसिकली 20 रुपये का टिकट लगता है गोल्डन बीच पे जाने का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्डन बीच जो है ना वो इंडिया के जो 8-10 बीच हैं उनको ब्लू बीच का टैग मिला हुआ है। ब्लू बीच बेसिकली जो क्लीनेस्ट बीच होते हैं ना, तो उनको ये टैग मिलता है। तो ये पुरी का गोल्डन बीच या पुरी बीच जिसको बोलते हैं, ये उनमें से एक है। तो ये काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है और जैसा कि भाई लोगों ने बताया कि वहां जाने के लिए आपको 20 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। और यहां पे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अभी आप वहां पे देख रहे हैं कि कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो सैंड आर्ट बना रहे हैं। तो बेसिकली वो जो शख्स दिख रहे हैं ब्लैक जैकेट में, हाफ जैकेट में, वो सुदर्शन पटनायक है। जी हाँ, फेमस इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट।
और पूरी जब भी आपके दिमाग में आता है पूरी के बीचेस दिमाग में आते हैं, और वहाँ पे जो सैंड आर्ट बना होता है वो सारा सुदर्शन पटनायक का ही होता है, जो फेमस चीज़ें होती हैं। तो मैंने एक रिक्वेस्ट किया उनसे मिलने के लिए, देखता हूँ मुलाकात हो पाती है कि नहीं, मुश्किल है बाकी देखते हैं। जैसे कोविड का टाइम है और कल से जगन्नाथ टेंपल ओपन हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वही, जगन्नाथ मंदिर ओपन हो रहा है कल से, सबको केयरफुल रहना, सोशल डिस्टेंस से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और बेसिकली मेन जो है कोविड का जो गाइडलाइन है उसको सब लोग ये करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं हमारे इंटायर कंट्रीज़ में जो लोग बिग पर्सन हैं, जिनको देख अलग लोग, तो आप छोड़ दीजिए वो तो नहीं पहन रहे हैं, बट काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो अभी इतना ये के लिए हम सब लोगों ने मिलकर इतना बड़ा संघर्ष किया, बट द एंड ऑफ द डे हम थोड़ा और ये नहीं कर सकते हैं क्या? तो वो करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए सबको कोविड गाइडलाइन को मानना बहुत ज़रूरी है। जब ये आप सैंड आर्ट बनाते हैं बीचेस पे, मतलब कम से कम 15-20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, उसके पता नहीं कितने पहले सब बना रहे होंगे, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है? प्रॉब्लम तो सैंड तो बेसिकली एक टेम्पररी चीज़ होता है, तो इसलिए उसको पानी देके उसको बनाना पड़ता है, तो उसमें ऐसी क्या होता है कि चैलेंजेस रहता है कि किस तरीके से उसको क्रिएट करना है, किस तरीके से कितने पानी देना है, इसमें कितना टाइटनेस रहेगा, और उस हिसाब से बेसिक की एक चैलेंजेबल आर्ट फॉर्म होता है जैसे स्नो और सैंड, क्योंकि दोनों ही बेस जो है वो सॉफ्ट बेस है, इसका कोई सॉलिडनेस नहीं है, तो इसलिए जब भी स्कल्पचर्स बनता है तो उसको देखते हैं कि कितना पानी देना चाहिए, कितना कॉम्पैक्ट रहेगा ये, किस तरीके से इसको कार्विंग करना चाहिए सो दैट की ज़्यादा टाइम रुक सकता है, ये सब चीज़ देखना पड़ता है। ये सैंड आर्टिस्ट बतौर मतलब अपना करियर चूज़ करने या सैंड आर्ट बनाने का कब आपने सोचा, और इसको मतलब कितने व्यापक पैमाने पे चाहते हैं आपकी बाकी यूथ भी फॉलो करें? देखिए, हमारा देश में काफ़ी अभी यंग आर्टिस्ट जो हैं वो सैंड स्कल्पचर क्रिएट कर रहे हैं। फ्रॉम द बिगनिंग लोगों में इतना ये अवेयर नहीं था, आर्टिस्ट तो सब थे, हर जिला पे सैंड है तो आर्टिस्ट है, बट मैं ये चाहता हूँ कि देखिए हर चीज़ में हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं अगर वो सोच रहे कि, जैसे आप देखिए अभी हमारा देश में मेक इन इंडिया का कंसेप्ट आया, काफ़ी कुछ इनोवेटिव चीज़ें से यहाँ पर बना, लोग भी वही हैं जिन लोगों ने बनाया, तो इसलिए सोच स्ट्रांगली रहना चाहिए। और हमने जब ये सैंड स्कल्पचर शुरुआत यहाँ पर किया था तब हमारे लिए एक चाइल्ड लाइफ तो बहुत स्ट्रगल था, और वो स्ट्रगल लाइफ में हमने ऐसे एक चीज़ को ढूंढा जिस फॉर्म को लेके हम आगे और डेवलप कर सकते हैं, यूनिक वे से लोगों में सचेतन ला सकते हैं, जो बेसिकली अवेयरनेस कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, और एक इंटरनेशनली ग्लोबली आर्ट फॉर्म है ये, तो हर फॉर्म में कुछ ना कुछ है, करियर तो हर फॉर्म में भी हो सकता है, कोई ऐसा फॉर्म नहीं कि जिसमें करियर नहीं होता है, बट वो सोच पॉजिटिव रहना चाहिए कि हर चीज़ से हम करियर निकाल सकते हैं, और उसको मेहनत करना चाहिए, और सिर्फ थॉट्स पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब पूरी बीच पे ये आपने शुरू किया, तो क्या पूरी बीच मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट रहा ये आपकी पॉपुलैरिटी के लिए, क्योंकि एक बड़ा बीच यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसा कोई नहीं, नहीं ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ पूरी जगन्नाथ जी का धाम है ये, यहाँ का रेत जो है वो पवित्र है जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से, तो इसलिए ये सब संभव हुआ। भारत में हमारा कंट्रीज़ में इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, सैंड का पूरा जो किला पड़ा हुआ है, बट ये सैंड आर्ट यहाँ पर इतना कुछ संभव हुआ ये सिर्फ जगन्नाथ जी का आशीर्वाद की वजह से, तो मेरा ये सोचना है कि जगन्नाथ जी का आशीर्वाद की वजह से ये सैंड हमारे लिए होली सैंड है, जिस होली सैंड से आज इतने सारे सैंड स्कल्पचर क्रिएट हुए हैं और इतने सारे सैंड आर्टिस्ट भी क्रिएट हुए हैं, जो भी कुछ हो रहा है, तो ये हमारा सोच है। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत से बात करने के लिए, थैंक यू सर। तो आज का दिन ना काफ़ी मस्त रहा, मैं
अपने रूम से निकला था कि गोल्डन बीच जाऊंगा। आपने वीडियो में देखा सुदर्शन जी से मुलाकात हो गई, उन्होंने हमसे बात की और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जिस शख्स को आप फॉलो करते हैं इतने टाइम से, उनको आप अचानक से, मतलब आप टीवी में देखते हैं, अखबार में देखते हैं कि सैंड आर्ट बनाया गया है, किसने बनाया है, सुदर्शन पटनायक ने बनाया है, इतना बढ़िया काम है, वो आपको अपने पास दिख जाएं और वो आपसे बात करें तो अच्छा तो लगता ही है। बाकी आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि ये सैंड आर्ट कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।